हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने ज़्यादातर सिक्योरिटी अलार्म के बारे में सुना होगा, या फिर वाटर अलार्म के बारे में सुना होगा, या फिर मॉर्निंग अलार्म के बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी वाटर प्लांट अलार्म के बारे में सुना है? नहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जिसका यूज़ करके हम अपने प्लांट के अंदर अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। ये क्या बात करता है यार। और कभी भी अगर आपके प्लांट की जो मिट्टी होती है दोस्तों, वो सूख जाती है यानी कि ड्राई हो जाती है, तो आपको इंडिकेशन हो जाएगा यानी कि उसका अलार्म ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अब उसमें पानी डालने की जरूरत हो गई है। क्या बात है सर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे हम किसी भी बैटरी का यूज़ नहीं करेंगे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करा था दोस्तों, अपने यूट्यूब पर भी और साथ ही दोस्तों गूगल पर। लेकिन गाइस, यहाँ पे मुझे इस तरह का कोई भी फ्री एनर्जी वाला प्लांट के लिए अलार्म सिस्टम नहीं मिला। आप भी यहाँ पर ज़रूर चेक करिएगा, और अगर आपको कहीं पे भी कोई वीडियो मिल जाती है इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी बैटरी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सोलर पैनल का यूज़ करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो हमारा सोलर पैनल होगा उसी से हम पावर लेंगे और जो हमारा अलार्म होगा वो वर्क करेगा। साथ ही यहाँ पर जो हमारा प्लांट होगा उसके अंदर हम जो सर्किट लगाएंगे उसके लिए हमें किसी भी आर्डिनो की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी वाटर मोटर की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो अलार्म है ये हमें खुद इंडिकेशन देगा कि आपको अब पानी डालने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से मैंने जो अलार्म बनाया है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हो, ये है हमारा अलार्म। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है ट्रांजिस्टर का यूज़ करके। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको किसी भी आर्डिनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी आईसी की, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सोलर पैनल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारा 5 वोल्ट का है। और बैक साइड में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डायोड का यूज़ करा है जो कि हमारा 5408 नंबर का डायोड है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है जो कि दोस्तों हमारा 100 माइक्रोफेरेट का है, आप सभी देख सकते हो 50 वोल्ट। तो यहाँ पे आप 16 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास 16 वोल्ट का नहीं था तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने कंपोनेंट का यूज़ कराया है, यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम और यहाँ पर कंपोनेंट लिस्ट, इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो और ईजिली आप घर पर इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज, मैं आपको इस सर्किट को बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये जो सर्किट है बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही थोड़े से कंपोनेंट का यूज़ करके हमने इस सर्किट को बनाया है जो कि हमारा अलार्म का सिस्टम है। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको इस सर्किट को टेस्ट करके दिखाता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लाइव इसे चेक करेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इसे कैसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे गाइज, आपको मैं वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है, तभी आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर गाइज आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे कि और भी लोग इस प्रकार से इस सर्किट का यूज कर सकें और अपने घर में इसका यूज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपनी छत पर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास काफी सारे प्लांट है जो कि मैंने लगा रखे हैं, तो आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इन सभी गमलों के अंदर, यानी कि जो हमारे प्लांट हैं इन सब के अंदर नमी है, अभी मिट्टी हमारी नम है, तो इसका मतलब इसमें अभी पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम इस अलार्म को सेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलार्म है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, और इसका सर्किट डायग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड करके ऐसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बैटरी का हमें यूज़ नहीं करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सोलर पैनल का कनेक्शन दिया है। और ये हमारा अलार्म सिस्टम है जिसके साथ हमने दो यहाँ पर कीलो को कनेक्ट कर दिया है, आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस अलार्म को टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसके बाद हम इसे प्लांट में किस तरह से इंस्टॉल करेंगे मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले इसे हम धूप में ले चलते हैं, तो यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा धूप में आ जाता हूँ। गाइज यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अभी हमारा अलार्म ऑफ है, यहाँ पे मैं आपको माइक भी पास में लाकर दिखाऊंगा। गाइज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी अलार्म बंद है, यानी कि अभी हमारा अलार्म वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं, तो इसे हम यहाँ पर टर्न करके धूप में रख देंगे।
तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो हमारा अलार्म ऑन हो गया है। मैं आपको इसे माइक के पास भी लाकर दिखाता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा अलार्म वर्क कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आप सभी देख रहे हैं ये जो दो हमारी कीले हैं, जैसे ही इन दोनों को हम टच कराएंगे तो हमारा अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारा अलार्म ऑफ हो चुका है। और जैसे ही मैं इसे रिमूव करूँगा, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट को रिमूव करेंगे, तो हमारा अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा अलार्म ऑन हो गया है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ। तो आप सभी देख सकते हो हमारा अलार्म ऑफ है। और यहाँ पे हम इसे वापस से चेक करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा अलार्म ऑन हो गया है। और ये हमारा सोलर पैनल से चल रहा है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलार्म ऑफ है और ये ऑन हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सर्किट हमारा वर्क करेगा। और जब भी हम यहाँ पर दिन में इसे सेट कर देंगे दोस्तों, और हमारे प्लांट में अगर पानी की कमी होती है, तो यहाँ पे ये अलार्म हमें इंडिकेशन देगा और हमें पता चल जाएगा कि अब हमें पानी डालने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ दोस्तों कि हम कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट को लगा रखे हैं और कुछ इस प्रकार से सेटअप कर रखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये सभी सेटअप अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह का प्रोजेक्ट का वीडियो पहले यूट्यूब पर देखा है या नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही इस वीडियो के टॉपिक को सर्च करके चेक करा है, मुझे यूट्यूब पर इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं मिली है। अगर आपको दोस्तों कोई भी वीडियो मिलती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको इसे सेट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में बताना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट को आप साइंस एग्जीबिशन में भी लगा सकते हैं, यानी कि साइंस प्रोजेक्ट में भी आप इसे दिखा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा जब भी हम किसी आर्डिनो या फिर दोस्तों किसी वाटर मोटर का यूज़ करके बनाते हैं प्रोजेक्ट इस तरह का प्लांट के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमारा यहाँ पर कॉस्ट हो जाता है और जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हमें कोई भी आर्डिनो की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोस्तों किसी मोटर की। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों धूप कम आ रही है तो इस वजह से यहाँ पे अलार्म हमारा धीरे चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले माइक से चेक करके दिखाता हूँ हमारा अलार्म ऑन है या नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा अलार्म ऑन है। और यहाँ पे मैं आपको इसे ऑफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अलार्म ऑफ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक तरह से यहाँ पे धूप नहीं आ रही, इस वजह से यहाँ पे अलार्म थोड़ा सा कम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे प्लांट में हमें किस तरह से सेट करना है। यहाँ पे आपको अलार्म को ले लेना है और जिस भी प्लांट में आप इसे लगाना चाहते हो आपको उसके अंदर इन दोनों नेल्स को अच्छी तरह से फिट कर देना है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पर इसमें बहुत अच्छी तरह से नमी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ, आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी है और यहाँ पर आपको नीचे से भी पता चल रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम इस वाले प्लांट में लगाते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम नमी है दोस्तों। दोस्तों इस अलार्म से आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके प्लांट जो तो मिट्टी है दोस्तों उसके अंदर नमी है या नहीं। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस प्रकार से इसे लगा देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। गाइस आप सभी देख सकते हो यहाँ पे हमने एक नेल को लगा दिया है, इसके बाद हम दूसरी भी नेल्स को यहाँ पर फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसे लगाया है, आप सभी पास से भी देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो अलार्म है ये सेट हो गया है। गाइज यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए और सर्किट को दिखाने के लिए मैंने इस प्रकार से बनाया है, लेकिन आप इसे किसी बॉक्स के अंदर फिट करके बना सकते हैं और उसी के साथ उसके अंदर सोलर पैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद आप उस अलार्म को ऐसी जगह पर लगा दीजिए, उसकी वायर की लेंथ आपको लंबी रखनी है और आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे अच्छी तरह से धूप की रोशनी आती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे हम इस प्रकार से अभी रख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी सनलाइट बहुत ही कम आ रही है, इस वजह से यहाँ पे हमारा अलार्म थोड़ा कम वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अभी हमारा अलार्म ऑफ है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिट्टी के अंदर नमी है, और जैसे ही हम इसे ऑन कर देंगे यानी कि यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, हमारा अलार्म ऑन हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा अलार्म ऑन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नेल्स को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर माइक को पास में लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस नेल को वापस से प्लांट के अंदर फिट करते हैं और चेक करते हैं हमारा जो बज़र है दोस्तों वो ऑफ़ होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं माइक को बज़र के पास ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हमारा जो बज़र है दोस्तों वो ऑफ़ हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस अलार्म को सेट कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको कोई भी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो अलार्म है दोस्तों वो इस प्रकार से सोलर से ही वर्क करेगा, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मिट्टी हमारी सूख जाएगी तो उस समय यहाँ पर ये अलार्म हमें इंडिकेशन हमें दे देगा। तो आप देख सकते हो मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ़ है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम आ रही है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसे करके देखते हैं दोस्तों। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अलार्म ऑन हो गया है। तो चलिए अब हम फिर से इसे ऑफ करते हैं। तो आप सभी देख सकते हो हमारा अलार्म जो है दोस्तों वो ऑफ भी हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो भी इस प्रकार से इस सर्किट को बनाकर यूज़ कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप उन सभी वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।